लेती थी। तो मैंने इस तरीके से हर टॉपिक मैंने लिखा हुआ है, और साथ में रिवीजन के लिए भी मैंने इन्हीं नोट पलटी होती है। तो इस तरीके से मैं मैप में ही, जैसे मैंने बायोस्फेयर रिजर्व्स का ये मैप बना रखा है, तो यहीं पे मैंने सब कुछ अपना मार्क कर लिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतु मीना है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इस बार 2022 में 541वीं रैंक हासिल करी है। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है और ये मेरा तीसरा प्रयास था इस सफ़र में। आज मैं नयन अल्टीमेट चैनल पे अपने नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स हैं जो मैंने खुद ही मैंने बनाए हैं अपनी तैयारी के दौरान। ओनली आई एस यूट्यूब चैनल्स को मैं डेली फॉलो करती थी फॉर करंट अफेयर्स, और वहाँ पे दो वीडियो रोज़ अपलोड होते हैं, एक एडिटोरियल डिस्कशन और दूसरा प्रिलिम्स बूस्टर। तो प्रिलिम्स बूस्टर से मैं सब्जेक्ट वाइज अपने नोट्स बनाती थी लूज शीट्स पे। तो जैसे एनवायरमेंट का ये सेक्शन हो गया, ये मैंने बना लिया, और वो भी मंथली जो भी एनवायरमेंट के टॉपिक आए मैंने उसको लिखा, और उस पर जो जो पॉइंट्स होते थे मैं लिख लेती थी। तो मैंने इस तरीके से हर टॉपिक पे बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है मंथली, एंड हर टॉपिक उसमें मैंने लिखा हुआ है, और साथ में रिवीजन के लिए भी मैंने इन्हीं नोट्स में, आप जैसा कि देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है। इन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को मैं पढ़ लेती थी तो मुझे रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी इन नोट्स से। तो जितने भी 7-8 सेक्शन हमारी मैगजीन्स वगैरह में भी आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं, स्कीम्स का सेक्शन मैंने अलग से बना रखा है। ये जो 2-3 हमारे सेक्शंस में काफ़ी न्यूज़ इकट्ठी हो जाती है, और इसको एक साथ कंसोलिडेट करना, रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नोट से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, और इस तरीके से मैंने अपनी ये नोट मेकिंग करी है। कल्चर का आप देख सकते हैं एक सेक्शन है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का मैंने अलग सेक्शन बना रखा है, और इसी तरीके से मंथ के एंड पे मैं अपने इन्हीं नोट्स को रेफर करती थी, और उसी में गूगल सर्च करके अगर मुझे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी तो मैं इनको नोट कर लेती थी इसी में, और साइड बाय साइड लिख देती थी। कुछ भी डायग्राम वगैरह सब कुछ इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, जितने भी हमारे टॉपिक पॉसिबल हैं, पॉलिटी का मैंने अलग सेक्शन बना रखा है, एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के देखिए जो भी मैप्स आते थे मैं उसका एक छोटा सा पिक्चर यहीं पे बना लिया करती थी और वहीं पे साइड में लिख देती थी। और इनको सिर्फ मैं वीकली ही नहीं, मंथली भी, वीकली रिवीजन करती थी, लाइक हर संडे। पूरे हफ्ते का आप नोट्स बनाइए और उसको संडे को रिवाइज करिए, और इसी तरीके से जब आपका मंथ का पूरा प्रिपरेशन हो जाए तो आप इसको मंथ के एंड में वापस से रिवाइज कीजिए। तो ये रिपोर्ट एंड कमिटीज़ का जो हमारे प्रिलिम्स में स्पेशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरीके से मैंने सारे रिपोर्ट्स और कमिटी को अलग से यहाँ पे बना रखा था। तो इसको रिवाइज करने में हार्डली, जब प्रिलिम्स से पहले आपको गो थ्रू करना होता है, बहुत ही कम टाइम में ईजिली आपको रिविजन हो जाता है। सारी रिपोर्ट्स के मैंने अलग बना रखा है। सिक्योरिटी, जिस तरीके की हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उसका मैंने अलग सेक्शन बना रखा था। इसी तरीके से 7-8 सेक्शंस मैंने ये टोटल बना रखे हैं, और इन्हीं को मैंने रिवाइज किए हैं। ठीक है, तो जैसा आप ये देख सकते हैं कि टीबी से रिलेटेड कुछ आया तो उसका रेफरेंस मैंने देने के लिए उसके ब्रैकेट में उसका रेफरेंस का न्यूज़ डाला, और ये जो भी वीडियो में बताया गया था वो पॉइंट्स को मैंने लिखे। अदर देन दैट, उसके अलावा आप सर्च करिए कि क्या चीज़ें और हैं जो मुझे इस टॉपिक पे मिल सकती हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आप जाइए और वहां से आपको जो भी चीज़ें लगे ना, आप इन्हीं नोट्स में ऐड कर लीजिए। जैसे इंडियाज इनिशिएटिव्स मैंने दे रखा है, एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025, निक्षय इकोसिस्टम, निक्षय पोषण योजना, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, द सक्षम प्रोजेक्ट। तो ये सारा कॉन्सोलिडेट हो जाता है न्यूज, चाहे टीबी का कुछ पहले से चल रहा है या आगे आने वाला है, सब कुछ आपको एक ही जगह एक ही साथ मिल जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे नवंबर सेक्शन शुरू किया है, एस्ट्रॉयड वाला कुछ न्यूज आया है, और उन्होंने सिर्फ हबल स्पेस टेलीस्कोप को मैंशन किया है। तो उसके साथ देखिए, मैंने ये अपने पेंसिल से जो मैंने पोर्शन लिखा हुआ है, तो ये चीजें मैंने खुद गूगल सर्च करके लिखी हैं, ताकि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए करंट अफेयर्स पे, उनको ढूंढिए और एक क्यूरोसिटी रखिए कि इस चीजों को जानने के लिए कि क्या नया है और क्या चीजें चल रही हैं, ताकि आपको सिर्फ ये ना हो कि ये न्यूज आई है हमने पढ़ लिया, उसके अलावा उस न्यूज में क्या चल रहा है, आगे क्या आने वाला है, उस तरीके की न्यूज भी आसपास से ढूंढिए और उसको अपने ही नोट्स में कंसोलिडेट कर लीजिए। जिस तरीके से मैंने देखिए पेंसिल से काफी कुछ ऐड किया हुआ है, तो जो भी चीजें बाद में मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी या मैंने अलग से मुझे कुछ हाईलाइट करना है तो मैंने उसके लिए डिफरेंट पेन भी यूज किया है। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना, जिस तरीके से मेंटेन रहते हैं तो उतना ही इजी हो जाता है चीज़ों को याद रखना, हाईलाइटेड पार्ट आपको इजीली याद रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने अलग से ग्रीन से लिख रखा है, पेंसिल से मैंने पार्ट अलग बना रखा है, इस तरीके से आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा।
देखिए हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल रहा है, तो हिंदी के वैसे तो दृष्टि आई है इसके नोट्स को ही मैंने फॉलो किया है, पर कुछ टॉपिक्स जो काफी बल्की हो जाते थे और मुझे लगता था कि याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी पड़ रही है, उसके मैंने इस टाइप के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि जैसे साहित्य की प्रासंगिकता, अगर इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये 4-5 पॉइंट लिखने हैं इस तरीके से। कुछ कुछ टॉपिक जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे उसके मैंने अलग से टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए हैं, जैसे भक्ति आंदोलन का उद्भव। अब वैसे उस नोट्स में तो काफी ज्यादा कंटेंट है, लेकिन टाइम कम होता है जब आपको रिवाइज करनी होती है चीजें, और ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो मैंने देखिए इसी में सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। मुझे हिंदी के जैसे क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में मतलब भूमिका में क्या लिखना है मैंने अपना ऑलरेडी उसमें से निकाल के यहाँ लिख लिया है। निष्कर्ष में क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और क्या 4 पॉइंट्स रखेंगे वो भी मैंने 4 पॉइंट्स ऐसे मेंशन कर दिए। तो जब भी मुझे इस पे आंसर लिखना होगा मैं यही कंटेंट लिखूंगी, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि आप सारा कंटेंट पढ़ लो फिर उसमें से जो कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बेटर है कि अच्छे नंबर चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और उनको लिखिए, और फिर इनको रिवाइज करने के लिए जैसे मेरे को याद रहता था कबीर का दर्शन पे क्वेश्चन आया है तो भूमिका को मैंने लिखा, अब 4 पॉइंट लिखे, ये 4 पॉइंट्स भी ताकि मुझे बाद में ईजी हो जाए रिवाइज करना, मैंने हाईलाइट कर लिया। एक बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, अद्वैतवाद, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, इस तरीके से मैंने इसको नोट्स को प्रिपेयर किया। और मेरे को निष्कर्ष में क्या लिखना है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिस तरीके से मैंने इसको ग्रीन हाइलाइटर से अंडरलाइन कर रखा है, ये कुछ या किसी फेमस पर्सन ने कुछ कहा है, वो ऐसी लाइंस हमको हिंदी साहित्य में खासकर मेंशन करनी होती है। जैसे द्विवेदी जी ने कबीर की पुस्तक के बारे में कुछ कहा, कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है, तो ऐसी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में आप इजीली इनको रिकॉल कर सकें और अच्छे से अच्छा आंसर लिख सकें। तो उस टाइप की लाइंस देखिए मैंने लिख लिया करती थी, फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ नोट्स बनाए, सेकंड टाइम जब मैंने इनको पढ़ा तब ये चीजें मैंने हाईलाइट करी। तो इस तरीके से काफी टॉपिक्स हो गए, जैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है सूरदास का, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला पार्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में है तो दोनों में ही हेल्प करता है। तो इस तरीके से तुलसी के नोट्स हो गए, जितने भी हमारे फेमस पोएट्स हैं और सिलेबस में दिए गए हैं, कवि बिहारी लाल जी का मेंशन है उस तरीके से, रीति काव्य का भी मैंने पूरा नोट्स बना रखा है, जिस भी सेक्शन में मुझे लगा कि ज्यादा दिक्कत है थोड़े बना लेने चाहिए उनके मैंने नोट्स बनाए, और मैंने एंड में रिवीजन के लिए इन्हीं को याद किया, तो इससे मेरा रिवीजन बहुत ही ज्यादा आसान हो गया और कोई खास दिक्कत नहीं आई और लंबे टाइम के लिए याद रहा। इसके अलावा क्या है कि हिंदी में कुछ चीजें याद नहीं रहता है, सब सेम लगती हैं, तो इस तरीके से मैंने व्याख्या के भी अलग नोट्स बना लिए थे। तो जैसे कबीर उन पोएट्स के हमारे रहता है तो संदर्भ और प्रसंग में क्या आएगा मैंने पहले ही मेंशन कर लिया, क्योंकि सबका सेम रहता है तो बस नाम राइटर का आपको चेंज करके इसमें लिखना है। उसके विशेष के आपने कुछ पॉइंट्स बना लिए, अब ये क्या है, ये कॉमन पॉइंट्स है, अगर कबीर से रिलेटेड कोई भी व्याख्या आती है तो आप यहाँ से उठा के कोई भी पॉइंट्स डाल सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन के अगेंस्ट रिलेटिव लगे कि हाँ इस पॉइंट को लिखा जा सकता है। शिल्प का मैंने अलग से बना लिए 4-5 पॉइंट, इन्हीं में से मुझे लिखने हैं, तो अलग से हर क्वेश्चन पे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक पेज पढ़ा और कबीर से रिलेटिव कुछ भी आएगा तो मैं ये नोट्स लिखूंगी। इसी तरीके से मैंने सारे और भी चीजों के किए, जैसे पद्मावत के हमें पता है इंपॉर्टेंट क्या आता है, उसी तरीके से भूमिका विशेष के मैंने नोट्स बना लिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये भी मैंने बना रखे हैं, शिल्प में क्या लिखना है किसका। इस तरीके से आप व्याख्या के भी नोट्स बनाइए, क्योंकि व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस तरीके से आप मेंशन करेंगे ना तो आपको इजी रहेगा और एग्जामिनर को भी आपको मार्क्स अलॉट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि जितना आप पॉइंट्स में लिखेंगे इन चीजों को ना उतने आपके ज्यादा नंबर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स शो करता है कि आपको उसकी अच्छी नॉलेज है। तो इस तरीके से देखिए आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं और इसको अंडरलाइन करके मार्क कर सकते हैं। बाकी कुछ नोट्स मैंने डायरेक्टली भी सर के जो नोट्स होते हैं दृष्टि आईएएस से हमें मिलते हैं उसी में अंडरलाइन करके पढ़ लिए थे, कुछ जो मुझे कठिन सवाल लगे कि ये याद करना थोड़ा मुश्किल है तो उसके देखिए मैंने अलग से पद्य की व्याख्या के, जायसी, सूरदास, निराला, बिहारी, इनकी मैंने इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त, कबीर, इनका अलग से मैंने थोड़ा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर कर लिया था ताकि इनकी अगर कुछ भी रिलेटेड कोई कोई व्याख्या आएगी तो मैं ये इंट्रोडक्शन डायरेक्टली डाल सकती हूँ। शिल्प में मुझे क्या लिखना है, कबीर से रिलेटेड आएगा तो क्या लिखना है, तो बहुत ही मतलब सहूलियत होगी इसको एंड टाइम पर रिवाइज करने में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ। और इस तरीके से आप भी नोट्स बना सकते हैं, ये आपको रिविजन में बहुत बहुत हेल्प करेगा।
तो मैप जैसे हमें अलग से प्रिपेयर करना होता है और बहुत सारी प्लेसेस आती हैं तो हमें याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इस तरीके से मैं मैप में ही, जैसे मैंने बायोस्फेयर रिजर्व्स का ये मैप बना रखा है तो यहीं पे मैंने सब कुछ अपना मार्क कर लिया जितना भी कुछ था, ताकि रिविजन में ईजी पड़े, जो कि आपको बुक से डायरेक्ट थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने विद कलर भी कर रखा है ताकि मेमोरी रिटेन करने में ये हेल्प करता है। उस तरीके से देखिए और भी मैप्स मैंने बना रखे हैं, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, बीच बीच में क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यूपीएससी ट्राइब्स बहुत पूछ रहा था, तो उस तरीके से जो भी स्टेट का आता था, जैसे मैंने ये लिख रखा है, आपको पता है सहरिया ट्राइब इज़ वेरी फेमस इन एमपी, और जो भी चीज़ें आती थी, ये कोया चेंचू की ट्राइब्स हो गई हैं, ये कन्नी ट्राइब है, टोडा ट्राइब हो गई, इस तरीके से मैंने ये मैप बना लिया था। तो लास्ट में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लास्ट में कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल रहता है, तो अगर आप ये शुरू से ही करते चलेंगे मैप में मार्क करते चलिए तो लास्ट में ये कंसोलिडेटेड मिलेगा ऑलरेडी। टाइगर रिजर्व्स का देखिए मैंने अलग से मैप बना रखा है, इसमें जो भी अपडेट आते थे, नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है तो मैंने इसी में देखो ऐड कर रखा है कितने टाइगर कितने स्टेट्स में इंडिया के, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, उसी तरीके से मैंने बना रखा है सारे हर स्टेट के टाइगर रिजर्व्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं विद डिफरेंट कलर्स। तो इसी को मैं क्या कि कभी भी जैसे आप अपना एक बार बना लिया तो कभी भी आप दो मिनट आपको टाइम मिला या ऐसे ही घूम रहे हो उठा के देख लिया रैंडमली तो उससे रिवाइज हो जाता है बहुत ईजिली बहुत क्विकली और पता भी नहीं चलता कब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ों को याद करने में बहुत टाइम लगता है, तो मेमोरी में रिटेन करने के लिए जितनी बार चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे बार 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 उतनी अच्छे से याद होता रहेगा। रामसर साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है, रिसेंटली ऐड भी हुआ था, देखिए टोटल 37 साइट्स है लेकिन जैसे अपडेट आया तो मैंने इसमें 49 कर दिया था, तो उस तरीके से मैंने सारे स्टेट्स का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें सर्च करी हैं तो मैंने उसको साइड में यहीं पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप मैप वर्क कर सकते हैं और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, देखिए मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। ज्योग्राफी में मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि आपके डायग्राम्स और मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हीट बजट का जैसे आप देखेंगे कि सोलर रेडिएशन वाला पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली इसको यूज़ करूँगी। ये देखिए लैटिट्यूडनल हीट बजट भी मैंने इसमें ड्रॉ कर रखा है। फिर मैप इसमें देखिए हर तरीके के इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर आपको कहीं भी आप लिख सकिए इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप जो भी आप डाल सकते हैं, और छोटे छोटे डायग्राम्स जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स को फेच करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। देखिए जैसे ग्लोब का मैंने ये पूरा प्रेशर बेल्ट्स का दिखा रखा है, यहाँ पे इक्वेटर, यहाँ पे डोल्ड्रम्स हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस तरह के छोटे छोटे मैप्स होते हैं ना, और बल्कि चार्ट्स भी, इनफैक्ट देखिए ये कहाँ पे क्या मेंशनड है, किस तरीके से प्रेशर आ रहा है कैसे जा रहा है, ये थोड़ा सा वर्ल्ड मैप टाइप की चीज़ बता दी, इधर से ये करंट वो फ्लो हो रहा है, तो इस चीज़ से क्या है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपका आंसर राइटिंग में भी रहेगा ना, नोट्स आप जैसे बनाएंगे वैसा ही आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे, तो बेटर है कि आप अगर नोट्स बना रहे हैं जिन चीज़ों के अच्छे नोट्स बनाइए ईजिली जो रिवाइजेबल हों और जिसमें अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स आप ऐड करिए, अच्छे अच्छे डायग्राम्स ऐड करिए। और जहाँ तक ज्योग्राफी का सवाल है बेटर रहेगा आप मैप ज़रूर ऐड करें, वर्ल्ड मैप आप ऐड करें और इंडिया के मैप भी जो स्पेसिफिक हैं उस टाइप का ऐड करें। अगर देखिए साइक्लोन रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पूरा साइक्लोन का प्रोसीजर कैसे है वो आप बताइए। ट्रोपोस्फेयर का मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन आ रखा था, तो ट्रोपोस्फेयर का जो पूरा हमारा लेयर्स का सिस्टम रहता है वो किस तरीके से रहता है वो आप मेंशन करिए, क्या प्रोसेस रहता है। अगर कोई क्लासिफिकेशन है जैसे ये क्लासिफिकेशन है क्लाइमेटिक वाला, तो ये किस तरीके से बटा हुआ है, ये मैंने चार्ट प्रिपेयर कर रखा है, तो इस टाइप के आप चार्ट्स बनाइए। ये सब आपको बहुत हेल्प रहेगा, एक तो आंसर आपको लिखने में प्रेजेंटेशन आपका बेटर करेगा और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है मार्क्स को फेच करने के लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आप सेकंड चीज जो फोकस करेंगे वो प्रेजेंटेशन पे करेंगे, जिससे आपके एक्स्ट्रा एज आपको दिलाएगा बाकियों से एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में। देखिए हिस्ट्री के यूजुअली मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज को ही फॉलो किया है और देखिए मैंने बुक में ही मार्क कर रखा है मोस्टली चीज़ें, क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से छोटी छोटी चीज़ें थी और इसका मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको कि मैं नोट्स बना सकूं, तो अगर नोट्स बनाने का आपको जब टाइम नहीं मिले तो आप बुक में ही हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको, और डिफरेंट कलर से मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो चीज़ें होती है कि ये एक पार्ट है फिर ये नेक्स्ट चीज़ शुरू हो गई तो ये नेक्स्ट पार्ट है, इस तरीके से कलर हाईलाइटेड रहते हैं तो आपको खुद ही एक दिमाग में ना स्कीम बैठ जाती है कि मेरा क्या ऑर्डर चल रहा है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना और इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको खुद ही पहले ही पता होगा कि अच्छा ये चीज पहले है वो चीज सेकंड है वो थर्ड है, तो क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए मैंने ये कलर हाइलाइट्स का यूज किया और ये काफी हेल्पफुल रहा। लेकिन फिर भी
अगर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन है, कुछ चैप्टर मुझे डिफिकल्ट लगे, तो देखिए मैंने इस तरीके से कुछ शॉर्ट नोट्स भी अपने बना लिए थे, ये थोड़ा मैंने एंड में बनाए थे ताकि मेरे को उन चैप्टर को रिवीजन में कर सकूं। तो इस तरीके से देखिए मैंने टॉपिक लिखने के बाद उसमें जो जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने हाईलाइट कर दिए, और थोड़ा सा इफ पॉसिबल आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू रेड, इस तरीके से बनाएंगे आपके नोट्स। तो इसको अब क्या है कि चैप्टर को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लग रहा था और नोट से मैं जल्दी रिवाइज कर पा रही थी, तो आपका टाइम सेव होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है जब आप एक बार पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं ना, तो अच्छे नोट्स बनाइए, बल्कि मत बनाइए। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बना रहे हो या मेंस पर्सपेक्टिव से वो जरूर देखिए। मैंने यूजुअली ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बनाया, तो देखिए इसमें पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, एक एक छोटी छोटी चीज लिखी हुई है जो या तो प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछ चुका है यूपीएससी ऑलरेडी, या फिर पूछ सकता है उस टाइप की चीजें, और मैंने जो छोटे छोटे चीजें जो शायद पूछ ले वो मैंने हाईलाइट कर दी है। इस तरीके से आप इस टाइप के नोट्स आपके मेंस में भी काम आते हैं, बट ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैंने ज्यादा बना रखे हैं। छोटे छोटे मैप्स मैंने हिस्ट्री में भी मैं मैप्स ड्रॉ करती थी, इस बार भी मैंने किए हैं। तो जिस तरीके से देखिए छोटा सा मैंने मैप बना दिया, इधर मुगल्स इधर अफगान, इस टाइप के आप मैप्स यूज करिए। नोट्स मेकिंग से ये भी फायदा होता है कि आपको आंसर में क्या क्या चीजें कैसे ऐड करनी है ना, वो भी आपको समझ आता है। तो मेरे को इससे काफी हेल्प हुई और नोट्स मेकिंग से मेरा काफी इजी हो गई काफी चीजें इस तरीके के। ये देखिए ऑनलाइन नोट्स मैंने ये बनाया था, तो एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया था, दिस इज फ्रॉम पॉलिटिक्स है, तो कौन सा यूपीएससी हमारे जितने भी लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दी गई हैं उनका कंपैरिजन, हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या आएगा उसके बाद, कौन किसको अपॉइंट करता है कितने टाइम के लिए, तो मैंने अलग से इसका चार्ट प्रिपेयर कर लिया था और ये कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प करता था। तो एकदम लास्ट में लाइक आपको 2 मिनट लगेगा इसको पूरा होल रिवाइज करने में, रादर देन आप एक एक चैप्टर पढ़ने बैठेंगे। तो इस तरीके के आप नोट्स बनाइए, जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी होती है इट विल हेल्प यू।